पिछले 24 घंटों में झारखंड में मॉनसून सक्रिय रहा है और राज्य में लगभग सभी स्थानों हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो 70.5 मिलीमीटर जगन्नाथपुर में आपको पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिली है। और उच्चतम तापमान की बात की जाए तो 37.4 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है, और जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पूर्वानुमान में पहले भी बताया जा रहा था कि एक डिप्रेशन बना हुआ था, वो और गहरा के डीप डिप्रेशन बना हुआ है और वो नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में स्थित है और इसका जो मूवमेंट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर हो रहा है और अगले 48 घंटों में इसकी उड़ीसा नॉर्थ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को क्रॉस करने की संभावना है और अगले 24 घंटों में ये डीप डिप्रेशन थोड़ा कमजोर होते हुए डिप्रेशन में तब्दील होने की इसकी संभावना जताई जा रही है। तो ये जो सिस्टम जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना इसका अच्छा खासा असर झारखंड में भी देखने को मिला और कल लगभग सारे इलाकों में आपको बारिश देखने को मिली है और आज भी यही स्थिति रहेगी और झारखंड में आज भी लगभग सारे स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में आपको जो दक्षिणी झारखंड है उसमें एक जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी, खासकर आपका जो साउथ वेस्ट झारखंड का इलाका हो गया सिमडेगा चाईबासा और जो सिमडेगा से सटा हुआ गुमला और खुटी के इलाका है, इधर में आपको एक जगह पे भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। साथ साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स आने वाले दो दिनों में देखने को मिलेंगे। और 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो जैसा कि बताया आज 13 तारीख को झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी, कल भी कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और 15 तारीख से इसमें थोड़ी सी कमी आएगी बारिश में और 15, 16, 17 ये जो 3 दिन है राज्य में कुछ कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं चेतावनी की, तो जैसा बताया आज 13 तारीख को साउथ झारखंड में हेवी बारिश की चेतावनी है और 13 और 14 दो दिन राज्यभर में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अभी तक के मॉनसून की स्थिति की, तो 1 जून से लेके आज 13 सितंबर तक जो मॉनसून है झारखंड में वो अच्छा ही रहा है और अभी तक जो वार्षिक वर्षापात है झारखंड का वो 850.8 मिलीमीटर है और जो नॉर्मल या सामान्य वर्षापात है वो 937.8 मिलीमीटर है और जो डिपार्चर है वो -9% है जो कि सामान्य रीजन में ही आता है। तो कुल मिला के अभी मानसून की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आने वाले आज और कल में भी बारिश ठीक ठाक ही देखने को मिलेगी और ये जो बारिश है वो खेती के लिए काफी लाभदायक होगी। तो कुल मिला के ये है कि झारखंड में जो लो प्रेशर सिस्टम है उसका असर ठीक ठाक देखने को मिला है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।